जय जगन्नाथ, वेलकम टू सोनी किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाएंगे लच्छेदार पनीर रोल बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लच्छेदार पनीर रोल। कम समय में टेस्टी और मजेदार रेसिपी सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल सोनी किचन एंड लाइफस्टाइल। पहले हम रोल की डो बनाएंगे। इसके लिए चाहिए हमको 2 कटोरे मैदा। मैदा को हम एक पतीले में लेंगे, उसके ऊपर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक एंड 3 चम्मच तेल डालेंगे। फिर उसको हम हाथों के सहारे मिलाएंगे। सारी चीजें मिल जाने के बाद उसके ऊपर हम डाल देंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो बनाएंगे। एक साथ आप ज़्यादा पानी मत यूज कीजिए, इससे डो पतला हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ सा डो बनाइए। देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। इसके स्टफिंग के लिए हमको चाहिए कैबेज व पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हम पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। फिर कैप्सिकम लेंगे, कैप्सिकम को भी हम ऐसे स्लाइस में काटेंगे। फिर लेंगे गाजर, गाजर को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। अब हम लेंगे 2 बड़े प्याज, प्याज को भी हम पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। पनीर को भी हम सेम स्लाइस में ही काटेंगे। सारी चीजों का हम एक ही शेप में काटेंगे। अब हम लेंगे 3 या 4 लहसुन। लहसुन को हम बारीक काट लेंगे। देखिए सारा इंग्रेडिएंट्स काट कर रेडी हो गया है। अब इसका हम मसाला रेडी करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल को गरम करने के लिए छोड़ देंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम थोड़ी देर भूनेंगे। लहसुन भून जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, प्याज और पत्ता गोभी। इन सभी को हम हाई फ्लेम में भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर। सभी चीजों का हम थोड़ी देर फिर भूनेंगे। पनीर डालने के बाद हम आप इसको धीरे से भूनिए क्योंकि पनीर टूट जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो सॉस। 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डालेंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस होगा तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। टमाटो सॉस डालने के बाद हम इसी सभी चीजों को मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। अब डालेंगे सेजवान चटनी या फिर आपके पास सेजवान सॉस होगा तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। सेजवान चटनी या सॉस से एक चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। अब हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो गया है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। सभी चीजों का हम फिर से मिलाएंगे। स्टफिंग बनकर रेडी हो गया। हम जो डो कवर करके रखे हैं उसको हम फिर से मस लेंगे हाथों के सहारे। फिर उसका एक छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े साइज का बॉल बनाइए। इसी बॉल से हाथों के सहारे एक अच्छा सा गोल शेप दीजिए।
अब एक गोला लेंगे, उसको हम बेलन के सहारे रोटी से बेलेंगे। अब हमारा पराठा बेलकर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे तेल, या अगर आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। चारों तरफ से आप घी या तेल अच्छे से लगाइए। फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा को डस्ट कीजिए या फिर स्प्रिंकल कीजिए, इससे लच्छा अच्छे से आ जाएगा पराठे में। फिर उसको आप फोल्ड कीजिए। आप देखिए मैं जिस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, आप इसी प्रोसेस को ठीक से करिए, इससे लच्छा ज़्यादा बनेगा। फिर उसको हम गोल गोल रोल करेंगे। लास्ट का पार्ट बीच में हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। एक गोल शेप आ जाएगा तो फिर उसको हम बेलेंगे, रोटी शेप में बेलेंगे। फाइनली अब पराठा बेलकर रेडी हो गया है। इसी प्रोसेस में हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सारे पराठा जो हम सेकेंगे वो बेलकर रेडी हो गया है। अब एक तावा लेंगे, उसमें हम पराठे के डालेंगे। तावा गर्म हो जाने के बाद आप पराठा डालिए। एक तरफ सेक जाने के बाद दूसरी तरफ पलटिए, दोनों तरफ को अच्छे से सेकिए। उसके ऊपर तेल लगाइए। अच्छे से तेल लगाकर उसको सेकेंगे, फिर दूसरी तरफ हम पलटेंगे, फिर उसके ऊपर भी हम अच्छे से तेल लगाएंगे। तेल लगाकर अच्छे से दोनों तरफ को धीमी आंच में सेकें। अब हमारा लच्छेदार पराठा बनकर रेडी हो गया है। हम इसको अब प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरह से सारे पराठा रेडी हो गया है। हम अब दो पराठा लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। और थोड़ा सा मेयोनीज भी। मेयोनीज टमाटो सॉस को अच्छे से रोल के ऊपर स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर हम रखेंगे पनीर का मसाला। फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े कच्चे पत्ता गोभी, गाजर, कैप्सिकम, प्याज, जो हम काटे थे वेजीज, उसका थोड़ा सा बचाकर हमने गार्निश के लिए रख लिया था। रोल में कच्चापन अच्छा लगता है। उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर या काली मिर्च का पाउडर। फिर उसको हम फोल्ड करके टूथपिक के सहारे उसको क्लोज कर देंगे। अब हमारा लच्छेदार पनीर रोल रेडी हो गया। आप इसको गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कीजिए। इस रेसिपी का सारे इंग्रेडिएंट्स आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर मत कीजिए। आप चाहे तो रोल को किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस में भी रोल को सर्व की हूँ। ये रोल बहुत टेस्टी बना था। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप ये रोल घर में जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय।